बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो दैट यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग अ वेरी गुड हेल्थ। इट्स क्लास सिक्स सोशल स्टडी। टुडे लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर टू, वी आर गोइंग टू डू अबाउट चैप्टर थ्री, बुद्धा एंड बुद्धिज्म। एंड टुडे इज़ द रिव्यू लेक्चर, व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर we discuss about Buddha and Buddhism, how it begins and who was the founder of Buddhism. We discussed that Buddha, Siddhartha Gautama Buddha, was the founder of Buddhism, and how he born in Nepal, and after that he brought up in his palace, wo apne mahal mein uski parvarish hui, aur uske baad wo kaise mahal ko chhod ke chala gaya. So today ये उसी लेक्चर का ही हिस्सा है। हमने कहा कि वो 29 साल की उम्र में अपना महल छोड़ के चला गया, और कई साल वो इधर उधर फिरता रहा और मुराकबा करता रहा कि उसको अंदर का सुकून हासिल हो, चूँकि वो अपने सवालों का जवाब चाहता था कि क्यों दुनिया में जो है वो इक्वालिटी नहीं है, ना इंसाफ़ी है, बराबरी नहीं है। दो सवाल उसको बहुत परेशान कर रहे थे, एक ये कि इंसान जो इंसानियत है वो क्यों परेशानी का शिकार है, और किस तरह ये परेशानी जो है वो दूर हो सकती है। आखिरकार उसको इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया अपने मुराकबे के दौरान, जब वो एक दरख्त के नीचे बैठ के चिल्ला कर रहा था। ही फाउंड पीस विद हिमसेल्फ, उसको उसने अपने अंदर सुकून महसूस किया। उसे अपने पहले सवाल का जवाब इस तरह मिला, ही हैड रियलाइज दैट कि इंसान अपने लालच की वजह से जो है वो परेशानी का शिकार होता है। द ओनली वे दे कुड रिड्यूस दिस सफरिंग, कहता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा करके अपनी इस तकलीफ़ से छुटकारा पा सकते हैं। ही प्रीच दैट एवरी वन शुड लेड अ वेरी बैलेंस लाइफ, उसने इस चीज़ की भी तबलीग की, हर इंसान को एक मतवाजन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी गुफ्तगु, अपनी तकरीर और अपने जो अमाल हैं उनको बेहतर करना चाहिए। ही ऑल्सो सेट that all people are equal, वो उसके माँ बाप हिंदू मत के मानने वाले थे जिसमें कि कास्ट सिस्टम है, ज़ात पात का निज़ाम है, लेकिन वो इस चीज़ को मानता नहीं था। वो कहता था कि तमाम इंसान बराबर हैं, चूँकि बराबर ही पैदा होते हैं अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, तो वो इस कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करता था। सिद्धार्थ का ये मैसेज बहुत जल्दी से फैलने लगा और बहुत दूर तक फैलने लगा और मशहूर होने लगा, क्योंकि लोग हिंदू मत के पैरोकार थे, और पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम, लोग उसकी तरफ आना शुरू हो गए उम्मीद के साथ। ही गाइडेड देम टू अचीव पीस, वो उन्हें सुकून हासिल करने की तालीम देने लगा, और फिर उसका नाम सिद्धार्थ ना रहा, उसको बुद्धा कहा जाने लगा। वो लोगों को जो है वो सीखा हुआ। बुद्धा वाज बिलीव दैट ऑल ह्यूमन पास थ्रू द साइकिल ऑफ रीबर्थ और समसारा, उसने कहा कि तमाम इंसान जो हैं वो एक दोबारा पैदा होने वाले अमल से गुज़रते हैं। उसने कहा कि एक इंसान जब मरता है तो वो दोबारा पैदा होता है, लेकिन एक किसी और शक्ल में। ये इस चीज़ पे उसका इन्हेसार है कि उसने पहली ज़िंदगी कैसी गुजारी। अगर तो उसने पहली ज़िंदगी अच्छी गुजारी है तो उसको अंदरूनी सुकून हासिल हो जाता है, और वहाँ उसका दोबारा पैदा होने वाला अमल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसने अपनी पहली ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारी तो वो किसी तकलीफ दे शक्ल में पैदा होता है। आई टीच बिकॉज यू एंड ऑल बींग वॉन्ट टू हैव हैप्पीनेस एंड वॉन्ट टू अवॉइड सफरिंग, आई टीच द वे थिंग्स आर, उसने कहा आई टीच, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, बिकॉज यू एंड ऑल बींग वॉन्ट टू हैव हैप्पीनेस, कि तुम और तमाम दूसरे जो है वो खुशियाँ चाहते हैं, वॉन्ट टू अवॉइड सफरिंग और तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, आई टीच द वे थिंग्स आर, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जैसे चीज़ें हैं। आई कैन डाई हैप्पीली, आई हैव नॉट केप्ट अ सिंगल टीचिंग हिडन इन अ क्लोज्ड हैंड, मैं खुशी से मरना चाहता हूँ, मेरे पास जो इल्म है मैं तुम्हें दिए बगैर मरना नहीं चाहता। I have already given everything that is useful for you, जो भी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है वो अपने लोगों को, जो उसके मुरीद थे उनको ये बताता था कि जो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है
आई हैव ऑलरेडी गिवन, मैं तुम्हें दे चुका हूँ, बाई योर ऑन गाइडिंग लाइट, तुम्हारी बेहतरी के लिए. द बुद्धा वाइल लीविंग हिज बॉडी एट द एज ऑफ 80, मरने से पहले उसने अपने जो उसके पैरोकार थे उसने, आप देख लें ये वर्कशीट आपने घर से करनी है और इसको अच्छे से तैयार करें. सो दिस इज़ योर होमवर्क टुडे. होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा. सो तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़ो नासिर हो.